दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंदिरा 2019 एक्सरसाइज के लिए रशिया के तरफ से भारत में 15 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे जाने का बात किया गया है। दोस्तों आप सब लोगों को बता दूं कि इंदिरा एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर साल भारत और रशिया के बीच में होता है, जहां पे तीनों फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब दोनों देशों के तरफ से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में अपने आप को पार्टिसिपेट कराता है। इस साल ये एक्सरसाइज भारत में होगा, जहां पे रशिया के तरफ से करीबन 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे जाने का बात किया गया है, जिनमें से करीबन 15 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। हाल ही में रशिया के एक बड़े ऑफिसर टास्क न्यूज में इंटरव्यू देते हुए बताया कि इस एक्सरसाइज में भारत में रशियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-29, Sukhoi-27, Sukhoi-30 और Sukhoi-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भेजा जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन ओरिजिन का MiG-29UPG, Sukhoi-30MKI और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिनमें से MiG-21 एयरक्राफ्ट को हाल ही में इंडिया द्वारा रिप्लेस करने का बात भी किया जा रहा है। इसके अलावा रशिया की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस एक्सरसाइज के लिए रशिया की तरफ से करीबन 20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा, जिनमें इल्यूजन 76 और दूसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है, जबकि रशियन मिलिट्री एविएशन के तरफ से 5 या उससे अधिक हेलीकॉप्टर भी भेजे जाने का बात किया गया है। दोस्तों इंदिरा एक्सरसाइज में दोनों देशों के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा जो हर साल पार्टिसिपेशन किया जाता है, ये करीबन लंबा 10 से 15 दिन तक चलने वाला एक एक्सरसाइज है, जहां पे रशियन आर्मी की तरफ से अपने ग्राउंड ट्रूप्स के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों को भी भेजा जाता है, जिनमें टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी भी शामिल है। इस बार भी एक्सरसाइज के लिए करीबन 300 ट्रूप्स के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और टैंक्स भेजा जा रहा है। इसके अलावा रशियन नेवी के तरफ से 2 वॉरशिप के साथ साथ 1 फ्यूल टैंकर, 1 हेलीकॉप्टर और 2 गनबोट भी भेजा गया है। इंदिरा 2019 का मतलब है इंदिरा का IND फॉर इंडिया और RA फॉर रशिया, और ये एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में 11th एडिशन है और 2018 में इसका 10th एडिशन UP में हुआ था, जहां पे रशिया द्वारा करीबन 10 दिन लंबा चलने वाला आर्मी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया गया था, जबकि उसके बाद विशाखापट्टनम में नेवल बेस में बेस एक्सरसाइज और उसके बाद करीबन 3 दिन चलने वाला लंबा सी एक्सरसाइजेस में रशियन और इंडियन नेवी शामिल हुआ था। दोस्तों इन एक्सरसाइजेस के द्वारा इंडियन और रशियन डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक साथ काम करने का तजुर्बे को बढ़ाया जाता है, जबकि दोनों देशों के एक्सपर्ट के नियंत्रण में एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देशों के ट्रूप्स को कड़ी इम्तिहान के बीच से गुजरना होता है, जिससे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोनों देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियारों को एक दूसरे का ट्रूप्स को चलाने के लिए भी अभ्यास कराया जाता है, जिससे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के ट्रूप्स एक साथ किसी एक मिशन में काम कर पाए या फिर किसी एक कारण से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों रशिया द्वारा जो 15 एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है, ये रशियन एविएशन का एक एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है, जबकि हाल ही में रशियन एयरफोर्स में एक 4++ जनरेशन का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसे हम MiG-35 के नाम से जानते हैं, और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे हम Sukhoi-57 के नाम से भी जानते हैं, उसे शामिल किया गया है। रशियन एयरफोर्स द्वारा ये नया एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाना भारत के लिए काफी खास है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का ऑफर भी भारत को किया गया है। MMRCA 2.0 टेंडर के तहत MiG-35 जबकि FGFA के लिए रशिया की तरफ से Sukhoi-57 के बेस पे बना हुआ एक नया एयरक्राफ्ट का ऑफर इंडिया को किया गया था। हाल ही में रशिया द्वारा जो एयरक्राफ्टों को भेजा जा रहा है, उनमें से Sukhoi-35 का भी ऑफर इंडिया को किया गया था, और देखना यह है कि आने वाले समय में इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।